राजस्थान के झालावाड़ जिले में दलितों की हत्या कर सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड करने वाली कुरेशी गैंग व देश के अन्य राज्यों में दलितों पर हो रहे अत्याचार को लेकर इंदौर दलित समुदाय ने राष्ट्रपति के नाम लिखित ज्ञापन कमिश्नर को सौंपा। दलित नेता मनोज परमार ने बताया कि कुरेशी गैंग ने दलित युवक कृष्णा की हत्या कर क्षेत्र में अपना डर फैलाने के लिए हत्या का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था। साथ ही देश के अलग अलग राज्यों में लगातार दलितों के साथ घटनाएं होना सामने आ रही है। इसी के विरोध स्वरूप संभागायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन कर महामहिम राष्ट्रपति के नाम लिखित ज्ञापन सौंपा, जिसमें मांग की गई कि दलित समुदाय पर हो रहे अत्याचार को रोका जाए, साथ ही दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए। राजस्थान में झालावाड़ जिला है और झालावाड़ जिला में झालरापाटन एक नगर है, एक शहर है। यहाँ पर रहने वाले हमारे वाल्मीकि समाज के कृष्णा वाल्मीकि युवा समाज सेवी हैं, जिनकी हत्या कुरेशी गैंग के द्वारा की गई है और उस हत्या का वीडियो बनाया गया, उसे सोशल मीडिया पे वायरल किया गया, जिससे कुरेशी गैंग का खौफ और उनका जो डर है पूरे राजस्थान में फैल सके। इस बात को लेकर हम यहाँ पर ज्ञापन देने आए थे कि मृतक कृष्णा मालवी की माता जो विधवा हो चुकी है, उनकी माता को 50 लाख रुपए का मुआवजा आर्थिक राशि के रूप में दिया जाए, साथ ही उसके छोटे भाई को शासकीय नौकरी दी जाए और जो आरोपी है उनको फांसी की सजा दी जाए। इसके अलावा हमने पूरे देश में जहाँ जहाँ पर अत्याचार हो रहा है, जैसे कि गंगानगर में इसी महीने के सारे केस है, इसी महीने के, जिसमें गंगानगर में मुस्लिम समुदाय के गुंडों के द्वारा हमारे दलित बुजुर्गों को सार्वजनिक रूप से पीटा गया, उसकी कोई रिपोर्ट नहीं हुई। बिहार के पूनिया गांव में 150 से अधिक भीड़ जो मुस्लिम समुदाय की थी, उनने 20 घरों को जला दिया हमारे दलित समाज के, और गर्भवती महिलाओं के साथ रेप किया, उसके वीडियो बने, कोई कार्रवाई नहीं हुई। विधानसभा चुनाव के पश्चात पश्चिम बंगाल में हमारी दलित महिलाओं के साथ रेप किया गया और सार्वजनिक रूप से हमारे लोगों की हत्याएं की गई, दलित लोगों की हत्याएं की गई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। उत्तर प्रदेश का अलीगढ़ है और अलीगढ़ में नूरपुर गाँव है, वहाँ पर 110 दलित परिवार जो हमारे रविदास समाज से थे, उनका बहिष्कार किया गया, उनको गाँव से भगा दिया गया, उनका पलायन हो गया, इतना उनके साथ में प्रताड़ित किया गया, उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। साथ ही भीलवाड़ा के अंदर हमारे दलित समाज के युवक के साथ में मारपीट करके बकरी का चोरी का इल्जाम लगा के उसके गुप्तांगों में मिर्च पाउडर डाला गया, और कानपुर के अंदर हमारे दलित समाज के युवक के मल द्वार में लठ घुसेड़ दिया गया, और बिलासपुर में हमारी दलित समाज की दुर्गा साहू के साथ गैंग रेप करने के पश्चात में कांटों से भरी हुई जालियों से उसका गला घोटा और मुंह में बेशरम के पत्ते घुसेड़ दिए गए। हमारी दलित समाज की नाबालिग बालिका प्रयागराज उत्तर प्रदेश के अंदर उसके गैंग रेप 4 दिन तक करा और उसके बाद उसके हाथ पैर उखाड़ के अलग अलग खेतों में फेंक दिए गए। ये सारे अपराध जो है अमानवीय है, नराधम है, ये सब नर पिशाच है, ये राक्षस है, निशाचर है, इनको इस पृथ्वी पर जीने का कोई हक अधिकार नहीं है, इसलिए इनको फांसी होना चाहिए। इसी मांग को लेकर और अनुसूचित जाति जनजाति की सुरक्षा हो, इसलिए एट्रोसिटी में कड़े कानूनों का प्रावधान होना चाहिए, इसलिए इस बात को लेकर हमने माननीय राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन प्रेषित किया है माननीय कमिश्नर महोदय के नाम। आज यहाँ पर सारा दलित समुदाय एकत्रित हुआ है, जिसमें हमारा संत वाल्मीकि समाज, संत रविदास समाज और वलाई समाज, सभी दलित समाज यहाँ पर उपस्थित होकर माननीय राष्ट्रपति के नाम माननीय कमिश्नर महोदय को ज्ञापन देकर दलितों की सुरक्षा और सम्मान के लिए हमने मांगा है। कोई कारण सामने आया कृष्णा? कोई कारण सामने नहीं आया, सिर्फ नीची जात के थे हम, हमारा नीची जात में होना ही हमारे लिए सबसे बड़ा पाप है और अभिशाप है। यहाँ पर आज़ादी के 73 साल बाद भी हमारे लोगों को घोड़ी नहीं चढ़ने देते, मूछे नहीं रखने देते, पानी नहीं भरने देते, दाढ़ी कटिंग नहीं बनाने देते, राम मंदिर में जाने नहीं देते, ऐसे कुकर्म करते हैं ऊंची जात के लोग और हमारे लोगों के साथ मारपीट करते हैं और उसके वीडियो बनाते हैं। मतलब उनको कोई कानून का डर नहीं है, उनको कोई न्यायालय का डर नहीं है, उनको कोई प्रशासन का डर नहीं है। कहीं ना कहीं ये लच्चर कानून प्रणाली और कहीं ना कहीं कुंठाग्रस्त राजनीति इसके लिए जिम्मेदार है। इंदौर से एनके मीना के साथ सचिन शर्मा की रिपोर्ट।